हाय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीपीसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक होगा फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट की बात आती है तो सीपीसी में हमें कुछ सेक्शंस देखने पड़ते हैं, तो पहले वो नोट डाउन करो कि हमें कौन से सेक्शंस फॉरेन जजमेंट के लिए पढ़ने होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शंस सेक्शन 2 सब क्लोज 5 सब क्लोज 6 सेक्शन 13 14 44 44A, ये जब सारे सेक्शंस पढ़ लेते हैं तो हमें फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड चाहे एमसीक्यू पेज पेपर हो या चाहे मेंस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर हो, अपने सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम पहले प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले कि फॉरेन कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सब क्लोज 5। फॉरेन जजमेंट कहाँ डिफाइन किया है, सेक्शन 2 सब क्लोज 6। फिर फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव और नॉट, सेक्शन 13 इट विल बी कंक्लूसिव बट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस इट इज नॉट कंक्लूसिव। तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। तो सबसे पहले यदि फॉरेन जजमेंट हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट कोर्ट, यदि कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है तो ये कंक्लूसिव नहीं होगा। सेकंड, व्हेन फॉरेन जजमेंट हैज नॉट बीन डिसाइडेड ऑन द मेरिट, यदि मेरिट पे केस डिसाइड नहीं किया गया है तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि जजमेंट इज इनकरेक्ट इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यदि इंटरनेशनल लॉ की व्यू में वो जजमेंट इनकरेक्ट है तो फिर भी कंक्लूसिव नहीं होगा। यदि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन लॉ, यदि इंडियन लॉ इस जजमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो फिर भी नहीं होगा। यदि जजमेंट हैज बीन गिवन बाय द अपोज ऑफ नेचुरल जस्टिस, यदि नेचुरल जस्टिस का अपोज करके कोई जजमेंट दिया गया है तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। इफ जजमेंट हैज बीन ऑब्टेंड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, यदि फ्रॉड के ग्राउंड पे जजमेंट को ऑब्टेन किया गया है तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। इफ जजमेंट्स प्रोविजंस जजमेंट्स प्रोसीडिंग्स वोयलेट द इंडियन लॉ और ब्रीच द इंडियन लॉ, यदि इंडियन लॉ को ब्रीच करता है तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। यदि ये 6 ग्राउंड्स हैं इनके आधार पर कोई जजमेंट जाता है तो फिर ये कंक्लूसिव नहीं होगा, अदरवाइज ये कंक्लूसिव होगा। फिर आते हैं कि प्रजम्पशन ऑफ द फॉरेन जजमेंट क्या होगा, प्रजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट सेल प्रजम्पशन होगा। फिर उसके बाद इज इट रिब्यूटेबल, यस इट इज रिब्यूटेबल बट ऑन विच ग्राउंड, द लैक ऑफ द जूरिस्डिक्शन द वांट ऑफ जूरिस्डिक्शन, यदि जूरिस्डिक्शन नहीं है उसके ग्राउंड पे अगर रिब्यूट करना है तो रिब्यूट किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी को प्रोड्यूस करके यह सिद्ध किया जाता है कि जजमेंट हैज बीन गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट। अब आते हैं कि इसका एग्जुकेशन, एग्जुकेशन किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अब आती है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहती है, सेक्शन 5 जब हम पढ़ते हैं सीपीसी की तो कहते हैं सीपीसी डज नॉट अप्लाई ऑन द रेवेन्यू कोर्ट बट इफ स्टेट गवर्नमेंट अलाउ बाय द नोटिफिकेशन देन कैन इंटरटेन द मैटर। तो जहां पर सीपीसी के कोड अप्लीकेबल नहीं होते तो वहां पर एजुकेशन होगा, यस हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन द्वारा ये प्रोविजंस लागू होने चाहिए और वैसे ही एजुकेट होगा जैसे हमारे ऑर्डनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के कोर्ट द्वारा एजुकेट होता वैसे। फिर आता है सेक्शन 44। 44 हमें क्या कहता है, रेसिप्रोकेटरी जजमेंट, रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी। रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी कौन सी होते हैं, देखो रेसिप्रोकेट का यदि हम अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है म्यूचुअल गिव एंड टेक करना। तो यदि कोई स्टेट मिलकर एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके ये कहते हैं कि यदि इन कोर्ट्स के दिए गए जजमेंट हमारे यहाँ आते हैं तो हम एग्जुकेट करेंगे, तो इसलिए 44 सेक्शन के अकॉर्डिंग यदि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी अदर स्टेट के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि फॉरेन ये जो
कंट्रीज हैं, यहाँ के किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो ये एग्जुकेट किए जाएंगे इंडियन कोर्ट में, तो वो रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी के जजमेंट और एग्जुकेट किए जाते हैं इंडिया में। अब नेक्स्ट चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन जजमेंट पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है कि यस, रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।